आज दिनांक 15 मार्च को वार्ड नंबर 15 में बहुजन समाज पार्टी पार्षद प्रियंका कल्याणा के कार्यालय में DS4 बामसेफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहेब कांची राम जी के 88वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ बसपा नेता रेवंत राम लिखेला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीराज मेघवाल, बसपा नेता अमित कल्याणा थे। अध्यक्षता पार्षद प्रियंका कल्याणा ने की। जन्मदिन के उत्सव पर बसपा नेता अमित कल्याणा ने संबोधित करते हुए कहा कि साहेब काशीराम गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसमें कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी सखियां भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ऐसे नारे भी दिए जो बाद में कामयाब हुए और राजनीतिक को बदले कार्य किया। जिन परिवारों में राजनीतिक चेतना नहीं थी उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करके इस देश की राजनीति में बदलाव लाकर सांसद, विधायक, जिला प्रमुख और पंच बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन व समता मूलक समाज बनाना चाहती है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है। इस मौके पर पूर्व डायरेक्टर इंद्राज कालवा, बसपा नेता मंगल घारू, पूर्व सरपंच प्रत्याशी त्रिलोक मेघवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नथुराम भाटिया, मोहित दौलिया, राहुल वाल्मीकि, महेंद्र भाटिया, विवेक वाल्मीकि, संदीप दौलिया, गंगाराम वाल्मीकि, संतोष कल्याणा, युवराज कल्याणा, नेहा कल्याणा, कल्याणा रजनी कल्याणा, संजय वाल्मीकि आदि मौजूद थे। श्री हनुमान खेजड़ी प्रबंध समिति की मीटिंग समिति अध्यक्ष नरेंद्र कुमार राठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में अप्रैल माह की 16 तारीख की हनुमान जन्मोत्सव पर क्रमशः जागरण व मेला भरेगा तथा दिनांक 10 अप्रैल 2022 को ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। मेला महोत्सव व ध्वजा यात्रा की तैयारी के संबंध में कमेटियों का गठन किया गया है। ध्वजा यात्रा के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें महावीर भोजक, जितेंद्र शर्मा, योगेश स्वामी, योगेश गोयल, किशन स्वामी शामिल किए। यात्रा गणेश मंदिर से रवाना होकर खेजड़ी मंदिर पर संपन्न होगी। दिनांक 15 अप्रैल 2022 को मंदिर प्रांगण में जागरण होगा, जिसमें बाहर की मंडली बाबा का गुणगान करेंगी। 16 अप्रैल को मंदिर प्रांगण में मेला भरेगा तथा इसी दिन मंदिर परिसर में लंगर लगाया जाएगा। लंगर प्रभारी सुशील गुप्ता होंगे। 2 दिवसीय मेला महोत्सव मेला प्रभारी राजकुमार सेवका व मुकेश स्वामी है। भक्तजनों की सुविधा के लिए चाय पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते मेला नहीं भरा था, इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत मेला भरेगा। 2 दिन मंदिर की सजावट की जाएगी, जिसमें लाइटिंग की जाएगी, सफाई व्यवस्था पर पूरा फोकस रहेगा। मीटिंग में नरेंद्र राठी अध्यक्ष, मदन ओझा सचिव, रतन सोनी कोषाध्यक्ष, भीम जोशी, केदारनाथ शर्मा, श्याम स्वामी, कालू जाट, कालू गहलोत, सुशील गुप्ता, महावीर, पवन बागला, पृथ्वी स्वामी, जितेंद्र, किशन स्वामी, मुकेश स्वामी, भारत भूषण, योगेश स्वामी। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का सेन समाज में सर्व समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। केश कला बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत सोमवार को शाम सूरतगढ़ पहुंचे। राज्य मंत्री गहलोत का संकट मोचन हनुमान मंदिर में मनोज सेन के नेतृत्व में सेन समाज के युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद इंदिरा सकिल इंदिरा गांधी पार्क में कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगाजल मील, ओम प्रकाश कालवा, परशुराम भाटिया सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा महेंद्र जी गहलोत का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उसके पश्चात महेंद्र जी गहलोत अपने काफिले के साथ जैन मंदिर में पहुंचे। वहां पर सेन मंदिर समाज के लोगों ने गहलोत साहब का बहुत ही गर्मजोशी से अभिनंदन किया। सेन समाज के पदाधिकारियों द्वारा समस्त अतिथियों को माला और साफा पहनाकर मान सम्मान दिया गया। इस अवसर पर सेन समाज अध्यक्ष हंसराज जी भाटी, राजीव वर्मा, करण सिंह जी, राजेंद्र वर्मा, रामेश्वर जी, महेंद्र जी सेन, बलदेव जी सेन, मणिराम जी, चंद्र प्रकाश जी, वीरभान जी सहित सैकड़ों की संख्या में शहर समाज के महिला, पुरुष और युवा मौजूद थे। आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह उमंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सत्यपाल कुकर्णा ने की। छात्र छात्राओं ने खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। एल नाटक के माध्यम से बच्चों ने मतदान एवं बालिका शिक्षा के महत्व से अवगत करवाया। छात्रों ने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री अशोक नागपाल, समाज सेवी व व्यवसाय श्री चंद्र प्रकाश जनवेजा, ललित सिदाना, देवचंद दैया, सुभाष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। पूर्व विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय को हर संभव सहयोग देने का प्रण लिया। एल मंच संचालन श्री पृथ्वीराज ने किया। एल प्रधानाचार्य श्री पुष्कर लाल खत्री ने विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पूर्व
राठी छात्रा प्रकाश गिल्होत्रा जी भी आए दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें कहीं। सभी जानना चाहते हैं कि आप कब Yeah.
जी बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे बापूजी की तबीयत बहुत खराब होगी, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर सूर्य नगरी है, आदर्श भवन। ठीक है जी, आ रहे हैं जी डॉक्टर जी। ओहो, इतना भी कचरा, इधर कचरा उधर कचरा, पता ही नहीं चलता मोहल्ला है या कचरे का मैदान। नॉक नॉक। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे बापूजी की तबीयत बहुत खराब होगी, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर सूर्य नगरी है, आदर्श भवन। ठीक है जी, आ रहे हैं जी डॉक्टर जी। ओहो, इतना भी कचरा, इधर कचरा उधर कचरा, पता ही नहीं चलता मोहल्ला है या कचरे का मैदान। नॉक नॉक। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, पेशेंट कहाँ पे है? ये डॉक्टर है। इसको घेर के क्यों बैठे हो? इसको हवा लगने दो। कैसा फील हो रहा है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे खांसी बुखार ठंड लग रही है फुल। अरे इसको तो डेंगू है। ये कैसे हो गया डॉक्टर साहब? डेंगू होगा कैसे नहीं, इधर भी कचरा उधर भी कचरा, पता नहीं चलता मोहल्ला या कचरे का मैदान। अरे डॉक्टर साहब, ये हमारे मोहल्ले वाले हैं जो हमारे घर के आगे कचरा फैला जाते हैं। कचरा तुम खुद फैलाते हो, पहले खुद को सुधारो, बाद में दूसरों को सुधारना। यकीन मानना, सारी की सारी राजकीय स्कूलों से निकलती है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने की सुविधा खुद देती है, और सबसे जरूरी है कि आपकी जितने भी फिजिकल स्टूडेंट हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल से ही होते हैं, लेकिन उनको तरासने वाला थोड़ा सा आपको गाइड करना ज्यादा जरूरी चाहिए। ये नहीं है कोई मेरका से कोई बचपन में पैदा हुआ या सभी जन बचपन से गाड़ी पड़ गया, निकले हैं आप में से निकले हैं। अभी अभी एक सबसे बड़ी नाटे रचना किया भाइयों ने, ये महीना भी 98 से 96 में उनका ब्लड डाउन हो गया, वो 98 नहीं अला सकी, मैं 96 लाए हैं। तो क्या हुआ, 96 98 90 85 80, वो जरूर नहीं करता आपके लिए, आपने डिजर्व कर लिया, आपने सीखा कितना, आपने ज्ञान अर्जित कितना किया, पढ़ाई का ज्ञान अलग है, तजर्बा अलग है। सिंपल सी बात है, मैं भी बड़ा खिलाड़ी नहीं था, मैं भी ऑफिसर है, स्टूडेंट था गवर्नमेंट स्कूल का, 2004 में मेरा सेना ज्वाइन किया था, आज अपनी सर्विस कंप्लीट करके मैं रिटायरमेंट भी हो गया हूँ 18 साल के बाद, लेकिन अचीवमेंट्स जो मिले वो भी मेरी मेहनत नहीं थी, वो गाइडेंस थी, एक प्रतिभा। Ha ha ha!